हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज जो 21 सितंबर को जो सीईटी का मॉर्निंग सेशन, जिसको हम शिफ्ट वन बोलते हैं, उसमें जो बच्चे स्टूडेंट्स के लिए गए थे जो पेपर देने, उनका पेपर कैसे गया, कैसा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल, एंड क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कहां से पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी लेवल फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, और कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं अक्सर वीडियो एग्जाम के 2 या 3 घंटे के बाद डालता हूं, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आओ। 12 बजे पेपर खत्म हुआ, 2-4 बच्चों को मैं पूछ के सिर्फ उसके बेस पे वीडियो नहीं बना सकता। जब आप 500-1000 बच्चों से आप बात करते, तब आपको एक एग्जैक्ट लेवल मालूम पड़ता है कि पेपर का लेवल क्या था। तो इसीलिए आपको जो वीडियो रहेंगे वो 2 या 3 बजे के बाद मिलना चालू होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं 21 सितंबर का एमएसटी सीईटी का शिफ्ट वन का पेपर कैसा था। तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल पे आ रहा था, जिसमें 20 क्वेश्चंस जो थे जो वो काफी इजी थे, एंड 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल पे बोले जा रहे हैं, वो सिर्फ आपके प्रॉब्लम बेस्ड थे। और प्रॉब्लम्स के लिए आपको ज्यादा फिकर करने की जरूरत नहीं है, जो आपके टेक्स्ट बुक के जो लगभग फॉर्मूलास थे वही सारे फॉर्मूलास रिपीट हो रहे थे। मैंने आपको हमेशा बोला है कि फिजिक्स के पेपर के लिए अगर आपको टेक्स्ट बुक काफी अच्छे से आता है उसमें, तो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। मुझे कई बच्चों ने ये बोला कि सर, जो 20 क्वेश्चंस थे जो इजी वाले, एंड जो आपके प्रॉब्लम्स में भी क्वेश्चन थे, वो तो लगभग इंडिया बडी के ही प्लेलिस्ट से ही हमको समझ में आ जाता था, कि देखते ही मालूम पड़ता था कि हाँ, अरे ये सर, ये चीज तो सर ने बताया है। तो प्लीज स्टूडेंट, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा फिजिक्स का, एंड ऑफ दिस वीडियो भी मिलेगा, प्लीज उसको आप पूरा देख लेना। उसमें 11th एज वेल एज 12th का है, और कोई भी वीडियो 15 या 20 मिनट से ज्यादा बड़ा नहीं है स्टूडेंट्स, 20-25 बस, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन 25 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर कोई पूरा चैप्टर कंप्लीट करके दे सकता है, तो वो सिर्फ इंडिया बडी है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। उसके बिना, अगर आप बिना देखे आप पेपर जा रहे हो पूरा प्लेलिस्ट, तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं तो डेफिनेटली आपका लगभग आधा क्वेश्चन जो है फिजिक्स का, वो उसमें से ही पूरा बन जाएगा, अगर जो बच्चा बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकता है उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री का जो 40 क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा ईजी थे, एंड 10 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल पे थे। मॉडरेट लेवल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहां पे नेम रिएक्शन थे, मतलब जो रिएक्शन, जो काफी बड़े रिएक्शन है, एंड जिसमें ओरिजिनली नाम दिया है कि किसी ना किसी रिएक्शन को नाम दिया, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो उनके आपके बेसिकली जो इनपुट साइड्स थे, प्रोडक्ट साइड्स थे, जो आपके कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे, बस उन्हीं चीज के ऊपर। तो जो बड़े बड़े जो नाम वाले जो रिएक्शंस है उनको आप बेसिकली अच्छे से कर लीजिए। मैथ्स के लिए पेपर काफी ईजी था, 29 क्वेश्चंस इजी थे, 21 क्वेश्चन मॉडरेट थे। मॉडरेट क्यों बोल रहे हैं, लोग सिर्फ कह रहे थे कि थोड़ा बहुत लेंथी हो रहा था, बट ठीक है, मैथ्स है तो उतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर रहे हैं कि वो पहले मैथ्स पे क्लिक कर दे रहे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे नहीं आ पा रहे। स्टूडेंट्स प्लीज स्टार्ट विद फिजिक्स केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करना, मैथ्स से मत करना। अब ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि क्या था, तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स का था कि पेपर वॉज मॉडरेट, एंड कुछ लोगों के लिए इजी हुआ, कुछ लोगों के लिए इजी क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप चीजों को पढ़ लेते और प्रॉपर एनालिसिस कर लोगे काफी इजी हो जाता है। क्वेश्चंस कैसे थे, टेक्स्ट बुक लेवल के ही थे, जो इजी और मॉडरेट लेवल के थे। जो अगर आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करने आते हैं, खासकर प्रॉब्लम्स वाले, फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट था, खासकर मैथ्स के लिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स काफी बड़े हो जा रहे थे। तो ये था स्टूडेंट्स पूरा ओवरऑल आपका, कि 21 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा गया। वीडियो पसंद आया है मुझे मालूम है, आप लाइक तो करेंगे, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।